मैं हूँ आपके साथ रिश्ला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। 10 जून को रानीडीहा में बने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों की योजनाओं का भी सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि वो गोरखपुर पहुंच चुकर जो नवनिर्मित भाजपा कार्यालय है उसका लोकार्पण करेंगे। 10 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 10 जून के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस तरह की तैयारियां की गई है? रानीडीहा में ये नवनिर्मित इकाई बनना भाजपा कार्यालय है। आपको दिखा देते हैं पीछे हमारे भाजपा कार्यालय और जहाँ लोग जुड़े हुए प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त की गई है और 5100 वर्ग फीट में जो है पूरा कार्यालय ये बना हुआ है। और इसमें जो है योगी आदित्यनाथ सबसे कुछ ही देर बाद आएंगे और यहाँ पे इसका निरीक्षण करेंगे। इसको कल लोकार्पण करना है। ऐसे में जेपी नड्डा भी कल मौजूद रहेंगे और उनके साथ सांसद रवि किशन और जितने भी ग्रामीण के जितिन सिंह है, ऐसे सभी विधायक और सांसद जो है यहाँ मौजूद रहेंगे। पार्टी के सारे कार्यकर्ता रहेंगे और उनमें काफी हर्षोल्लास है और तैयारियां भी पूर जोरों से कर ली गई है और इसका निरीक्षण करेंगे अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ। वही अगर बात किया जो भाजपा कार्यालय के जो लोकार्पण है उसका, तो तैयारियां पूरी हो गई हैं? कौन कौन से अधिकारी इस तैयारी का जायजा लेने पहुंचे? क्या कोई अधिकारी भी इन सभी लोगों के आगमन का जायजा लेने और तैयारियों का ख्याल रख रहे हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी यहाँ आते जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। 4:30 बजे पे आने का समय है। लगभग 4:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे रानीडीहा के भाजपा कार्यालय पे। लेकिन इसके पहले यहाँ पे SSP, DM और कमिश्नर, ADG, IG सभी आकर के इसका निरीक्षण किए। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार अधिकारी ले रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी शुरू की गई है। पूरी तरह से बता दें सामने हमारे ठीक पीछे पंडाल लगा हुआ है जहाँ से संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमांशु, मैं आपसे कहूंगी कि आप कैमरामैन से कहे और एक बार कार्यालय भी दर्शकों को हमारे दिखाए। जो भाजपा का नया कार्यालय बना है वो कार्यालय एक बार दिखाए आप हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, पिछला आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने हमारे ये कार्यालय बना हुआ है और 5100 वर्ग फीट में ये कार्यालय पूरा का पूरा बना हुआ है और पूरी काफी ऊंची है। इस तरह से 3-स्टार होटल के स्तर से बनाया गया है और इसी के साथ अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यालय जो है बनाया जा रहा है। उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और पूरी तरह से आपको दिखा दें यहाँ पे झंडे जो है BJP के लगे हुए हैं। पूरी तरह तैयारी और रंगोली भी बनाई गई है जिसका नगर निगम जो है यहाँ पे रंगोली की तैयारी की है। प्रशासन पूरी तरह से हमारा यहाँ सतर्क है। कई CO यहाँ पे लगे हुए हैं और प्रशासन लगातार यहाँ आ रहा है। कई थाने की पोर्ट यहाँ लगा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जी बिल्कुल, अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचने वाले हैं। हिमांशु, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रहे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वही कानपुर हिंसा मामले में पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी है। वही जांच में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय जांच कर सकता है। साथ ही मामले में शहर काजी मोहम्मद मुफ्ती साकिब अबीद शहर काजी मोहम्मद मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा शहर में अमन चैन बना रहे, इसकी दुआ करिए, हिंसा से बेकसूर को रिहाई भी दी जाए। बता दें कि कल जुमे की नमाज है जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि जब इसके पहले यह हिंसा भड़का था तो पिछले जुमे की नमाज के बाद ही यह हिंसा भड़का था। हम शहर कानपुर को अमन अमान की अपील कायम कराना चाहते हैं, अमन अमान की अपील करना चाहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि शहर का माहौल, शहर का अमन बरकरार रखें और जो लोग शहर का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गलत हैं, इस तरीके से उनको बाज भी आना चाहिए।
ताकि किसी भी समुदाय के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी बात, हम जो गुजारिश करते हैं वो ये है कि शहर के लोग जिस तरीके से पहले ज़िंदगी गुजारते थे अमन अमान से, भाईचारगी से, इद्दत व मोहब्बत और इख्वत के साथ, इसी तरीके से मोहब्बत और इख्वत के साथ ज़िंदगी गुजारें और आपस में भाईचारगा बना रहे, ताकि किसी किस्म का कोई तनाव, किसी किस्म का कोई गिला शिकवा ना होने पावे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ बयान शहर काजी का सामने आया है? शहर काजी का क्या कुछ कहना है? प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है? इससे पहले भी हर मामले में जब भी कोई विवादित बयान करेंगे उसके बाद अपना पक्ष रखते हैं सरकार को लेकर के, पर देखा जाए कहीं ना कहीं अगर ये मुस्लिम समुदाय के एक अच्छे पद बैठे होने के बावजूद भी ये इनके लिए बड़ा शर्मनाक कार्य है कि पहले जो है विवादित बयान देना, उसके बाद अमन और चैन और शांति की बात करना। जी बिल्कुल उपेंद्र अस्थाना, अगर बात किया जाए तो जो मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस हिंसा का, उसके कई जो विदेशी फंडिंग के भी लिंक सामने आए हैं, जिसको लेकर उसको रिमांड में और लेकर पूछताछ के बाद पुलिस प्रशासन कह रही है, किस तरह से अब उस पर जांच होगा? जफर हाशमी के रिमांड को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी, जफर हाशमी होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद अपडेट क्या है कि कल यह आपको जानकारी हुई कि मीडिया के माध्यम से और प्राइम टीवी ने भी उस खबर को चलाया था कि समाजवादी पार्टी के जो है वर्तमान समय के तीन विधायक जो हैं वो जो है अमिताभ वाजपेयी और दो बार से विधायक रहे हैं और इरफान सोलंकी जो है वो हैट्रिक विधायक रह चुके हैं, चार बार विधायक हुए। उसके बाद जो आज जो सोशल मीडिया पर जो अपडेट हो रहा है अभी यहाँ पर कानपुर, जहाँ पर मैं अभी वही खड़ा हूँ, चंदेश्वर हाथा के एक हाथे के ऊपर छत पे हूँ, और आपको नजर आए यहाँ पे जो है लोग जो है अपने दोनों विधायकों के लिए इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको साफ कहना है कि जो विधायक है ये केवल शादी ब्याह में आने के लिए है और उसके बावजूद भी किसी कार्य को लेकर के ये कभी नहीं है, ना दुख सुख में कभी नहीं खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका नजर आ रही है इसमें। जी बिल्कुल उपेंद्र अस्थाना, ये बड़ा सवाल है, निशान भी खड़ा करता है। वही जुमे की नमाज है कल, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? क्योंकि पिछली जब हिंसा भड़की थी, पिछली बार हिंसा हुआ था जुमे की नमाज के बाद ही हुआ था, तो कल एक हफ्ते हो जाएंगे इस हिंसा को, कल की नमाज को लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, आपको जो PSC की जो है चार बटालियन यहाँ पे एक्टिवेट है, दादा मियां बाजार, यतीम खाना और मूलगंज चौराहे के पास चारों तरफ जो है PSC तैनात है हाथे को लेकर के, और जुमे की नमाज को लेकर अपील ये की जा रही है कि आप मस्जिद के अंदर जो है जुमे की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली कानपुर में धारा 144 जो है वो लागू है। बिल्कुल, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे उपेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वही राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए सनसनीखेज पबजी हत्याकांड में जांच और पूछताछ के बाद कई पहलू खुलकर सामने आ रहे हैं। वही लड़के की मां की हत्या की साजिश 10 दिन पहले कर ली थी और YouTube की मदद से हथियार चलाने का वीडियो देखा था। वही ये मामला कोई सनक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जानकारी के मुताबिक बेटे ने पिस्टल चुराने के लिए नकली चाबी बनवाई थी, साथ ही आरोपी बेटे ने मां की पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि PGI कोतवाली के पंचमखेड़ा का यह पूरा मामला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सागर। बच्चे से पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं? बच्चे का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए, बच्चे को हिरासत में ले लिया गया है, उसके बाद बच्चे से एक बेहतर तरीके से पूछताछ की, जिस तरह से पुलिस आम लोगों से पूछताछ के लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी पूछताछ ग्रह के लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी पूछताछ की है, तो पुलिस के पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि बच्चा जो है इस हत्या की रणनीति लगभग 10 दिन पहले बना रहा था और वो इस दरमियान उसने YouTube से पिस्टल चलाना या कहिए पिस्टल को हैंडल करना भी सीखा, कई वीडियोज भी उसने देखे। और साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे की मानसिकता भी इस बात से जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जो पिस्टल है वो अलमारी में रखी हुई, उस अलमारी की चाबी तक उसने लड़के ने बनवा ली थी ताकि उसे कोई भी आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जी जी, अगर बात किया जाए जो बच्चे के पिता है उनका क्या कुछ कहना है? वो पहुंचे मौके पर, क्योंकि इस बच्चे के पिता जो है वो ये खबर आ रही है कि वो कहीं बाहर रहते थे, क्या वो पहुंचे और उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर?
जी, बच्चे के पिता जो है आसनसोल में इस समय पोस्टेड है, जेसीओ के पद पर तैनात है। और घटना के कुछ दिनों बाद, परसों की बात करूं मंगलवार की, तो घटना मंगलवार को ही उस जो लड़का है, जो छात्र है 16 साल का, हाई स्कूल का छात्र है, जिसने अपनी माँ का कत्ल किया, उसने अपने पिताजी को घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी और साथ साथ ये भी बताया कि जो घटना है वो किसी इलेक्ट्रिकल अंकल ने की है और माँ को मारने के बाद हम दोनों को कैद कर लिया। तो ये पूरी घटना सुनते ही पीजीआई पुलिस से उसके पिताजी ने संपर्क किया। हालांकि पीजीआई पुलिस पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में, पीजीआई कोतवाली के अंतर्गत आने वाला जो भी इलाका है, जो पंचम खेड़ा है, उसके पिताजी वहां पर जाते हैं और घटनाक्रम का पूरा मुआयना लेते हैं। उसके बाद कोतवाली जाते हैं और कोतवाली में अपने बच्चे को देखते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कृष्णा की, अगर देखा जाए तो इन सब घटना के बाद जो आरोपी होता है वो काफ़ी स्तब्ध होता है, उसे काफ़ी पछतावा होता है। लेकिन बात करेंगे उस लड़के की, तो उसको, उस लड़के को अपने पिताजी को देख के बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। हालांकि उस लड़के ने एक बात ये भी कही, जो शुरुआती जानकारी में निकल के आ रहा सूत्रों के मुताबिक, आपको बता दूँ कि लड़के को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। और उसके बावजूद लड़के ने साफ साफ अपने पिताजी से कहा कि अपनी माँ को आपने क्यों नहीं समझाया, उसने मुझे मारा, पीटा। और इन सब चीज़ों को लेकर उसने काफ़ी हद तक प्लान बना रखा था और क्राइम पेट्रोल भी वो देखता था कि अगर वो ये घटना को अंजाम देता है तो किस तरह से वो बचेगा और किस तरह से वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। और उसने सारी घटनाक्रम को इस तरह से रचा जैसे मानो एक एक्सपीरियंस वाला जो अपराधी होता है। ये सबसे बड़ी बात है जी। बिल्कुल सागर, क्या कोई अलग एंगल भी निकल के सामने आ रही है क्या इस घटना में? देखिए, अलग एंगल की बात करें तो जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीन डॉक्टर के पैनल ने इसे पोस्टमार्टम किया और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के साथ एक बकायदा और भी तमाम टेस्ट किए गए ताकि कहीं मृतका के साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ। हर एंगल से डॉक्टरों ने उसे देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, जो गोलियाँ हैं वो बिल्कुल एकदम गर्दन से सटा के मारी गई थी, जो कि दिमाग के आरपार हो चुकी थी और तुरंत उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और बिस्तरों में खून फैला हुआ था, दुर्गंध आ रही थी, कुत्ते को भी उसने अपने बांध दिया था 2 दिनों से, अपनी बहन को भी डरा के रखा था। तो कुल मिला के अगर सबसे बड़ी बात है कहें तो पबजी के कारण हिंदुस्तान में कई मौतें हो चुकी हैं और कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। और पिछले साल की बात करें 2020 में सितंबर के दरमियान, कोरोना काल के दरमियान भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन आज भी लोग इसका सब्स्टिट्यूट यूज करके इसे खेलते हैं और अपनी जिंदगी से और अपने परिवार से खेलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आज पीजीआई थाना क्षेत्र के पंचम खेड़ा का, जो कि 16 साल का जो लड़का है, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सागर। जनपद गोंडा के खरगूरपुर थाना क्षेत्र के खरगूरपुर डीगुर गांव का एक घटना सामने आया है, जहां फकीरों के साथ अभद्रता की गई और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। साथ ही नारों के साथ फकीरों से उठक बैठक भी कराया गया और दोबारा गांव में न घुसने की धमकी दी। वही मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तीन व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये तीन व्यक्ति खरगूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये तीन व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए। जहां पर एक तरफ कई तरह के हिंसे और सांप्रदायिक हिंसे और दंगे भड़क रहे हैं, लगातार जो दंगे हो रहे हैं वो सांप्रदायिक, इस बीच कहीं ना कहीं ये घटना हैरान कर देने वाली सामने आई है कि जिस तरह से आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फकीरों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह भी धमकी दिया जा रहा है कि दोबारा वो इस इलाके में ना आए।
जहां एक तरफ हिंदुस्तान एक है, यहां पर सभी एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक होने के दावे और वादे किए जाते हैं, तो वही इस तरह की घटनाएं जो है वो हैरान कर देने वाली होती है। आखिर इस युवक को इतनी नफरत क्यों इन फकीरों से, आखिर किस वजह से ये इनसे कान पकड़ कर उठक बैठक करवाता हुआ नजर आ रहा है, यह पूरा जांच का विषय है। और फिलहाल जांच के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि आखिर किस वजह से यह फकीर इस इलाके में आए थे और क्यों इनसे उठक बैठक करवाया जा रहा है। संवाददाता राशिद खान गोंडा से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं हिंदुस्तान में एकता की, और इस तरह का जो वीडियो सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या ये पता चल पाया कि ये जो फकीर थे किस वजह से आए थे गाँव में और क्यों इनसे इस तरह से उठक बैठक करवाया गया? देखिए, जिस तरह से आज जनपद गोंडा के थाना खरगोपुर के अंतर्गत जो जिस तरीके से जो फकीर थे वो मांगने के लिए आते हैं, अक्सर ये गांव साइड देखे जाते हैं कि लोग अपने पेट भरने के लिए लोग तरह तरह का इंतजाम या फिर तरह तरह के तरीके से अपना मांगते अपना घर गुजारा करते हैं। वहीं जिस तरीके से बीते रात थाना खरगोपुर के अंतर्गत एक गाँव में तीन जो फकीर थे, जो फकीर के निवास में थे, वो भी मांगने का काम कर रहे थे। वहीं गाँव के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और इनसे जब पूछताछ की, इसकी अभी पता नहीं चल पाया है कि गांव वालों ने उन्हें क्यों पकड़ा, क्यों उनसे पूछताछ किया, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि उनसे जय श्री राम के नारे लगाए गए, उनसे उठक बैठक कराया गया और दोबारा उस गांव में न घुसने की भी नसीहत दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर कि जिस तरीके से ये बड़े मामले देखने को आए और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए कानपुर या फिर बनारस जैसे कई जिलों के मामले लगातार गर्मे हुए हैं और लगातार हिंसा की बातें भी निकल के आ रही हैं, वहीं जनपद गोंडा में जिस तरीके से ये मीडिया पर वायरल हुआ, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो भाईचारा और आपसी तालमेल है वो बना रहे। जी, अब किस तरह से इस पे कार्रवाई प्रशासन कर रही है, किस तरह से गोंडा के पुलिस का कहना है, गोंडा के प्रशासन का क्या कुछ कहना है, और ये जो युवक दिख रहा है वीडियो में जो इन फकीरों से उठक बैठक करवा रहा है, क्या इससे कोई पूछताछ किया गया अभी तक पुलिस द्वारा? देखिए, जिस तरह से गोंडा सदर लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि जो युवक था जो जय श्री राम के नारे और जो अभद्रता कर रहा था और जो उठक बैठक करा रहा था उसे हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेज दिया गया है और जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से सीओ ने ये भी कहा जो ये तीन लोग थे जो मांगने का काम कर रहे थे इनसे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और न स्पष्ट किया जा चुका है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राशिद। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।